नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी SSSC अड्डा चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिक्षा, साहित्य, पत्र एवं पत्रिकाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश के कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि यूपी स्पेशल से संबंधित है। यानी कि आपके एग्जाम में उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे RO का एग्जाम, लोअर PSS का एग्जाम, जूनियर सेशन का एग्जाम, लेखपाल का एग्जाम, इन सभी एग्जाम से संबंधित प्रश्नों को मैंने इसमें संकलित किया है और आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ये जो सीरीज चल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कई सारे वीडियोज हमने डाल रखे हैं, आप हमारे चैनल में जाकर के इसको और देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत उसको आपकी जानकारी मिल जाए। वीडियो पसंद आएगा तो इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगला टॉपिक आप किस पर चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है वो है प्रयागराज में। ठीक है, तो प्रयागराज इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किसने बनवाया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनवाया था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय आपका मथुरा में स्थित है। ठीक है, मथुरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मथुरा में स्थित है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ये भी आपको बताना है। और अभी इस ऑप्शन में जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ पर कौन सी जगह पर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है झांसी है आंसर। ठीक है, झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय आपका चित्रकूट में स्थापित किया गया। ठीक है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण ये कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है आपकी गोरखपुर से, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ कहाँ की जा रही है, ये आपको बताना है। तो बदायूं और जौनपुर, बदायूं और जौनपुर। आपको एक क्वेश्चन और बताना है कि करंट में इस वक्त उत्तर प्रदेश में कितने राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है और कहां कहां पे। ठीक है, तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है कहां पर? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये है आपका लखनऊ में। ठीक है, ये आपका लखनऊ में। चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जाती है वह है, यानी कितने वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने में प्राथमिकता दर्ज की गई? तो वह है 14 वर्ष तक के बच्चे। ये 86 में संविधान संशोधन 2002 के अनुसार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी कि विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश में किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये संस्थान है संस्कृत संस्थान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, संस्कृत संस्थान। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसके सापेक्ष दिए गए स्थान से सुमेलित नहीं है, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय इसमें जो दिया गया है वो
सही जगह पे नहीं है, ठीक है। तो महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में ही है, अमेठी विश्वविद्यालय आपका गाजियाबाद में ना होकर के लखनऊ में, ठीक है। अमेठी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है, यानी कि जो विद्यावाहिनी एक परियोजना चली थी या फिर योजना कहिए इसको, ये किस शिक्षा पर ज़्यादा बल देती है, किस पर विशेष बल देती है? तो वो है इसका आंसर कंप्यूटर शिक्षा, ठीक है। तो कंप्यूटर शिक्षा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया, यानी उर्दू को राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य की द्वितीय भाषा कब स्वीकार की गया? तो इसका आंसर होगा 1989 में, यानी कि 1989 में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना की गई, यानी कि कहाँ पर भारतीय भाषाओं की रक्षा विकास के लिए हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान अकादमी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो मिड डे मील चलता है प्राथमिक स्कूलों में, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो वो जो उसकी शुरुआत की गई थी 1995 में, 1995 मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई थी। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय आपका मेरठ में अवस्थित है। कहाँ पर है? मेरठ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पहली केंद्रीय विश्वविद्यालय है, यानी कि पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में BHU है, ठीक है ना, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। तो कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है, ये है आगरा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है, आगरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है, कौन राज्य विश्वविद्यालय है, ठीक है। यानी कि जो ये चार विश्वविद्यालय दिए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का समाचार पत्र उत्तंद मार्तंद, जो कि 1826 में कोलकाता में कानपुर के एक संपादक हैं, उनका नाम आपको बताना है, उन्होंने उसी का संपादन किया था, ठीक है। तो उस संपादक का नाम है पंडित जुगल किशोर मिश्र, पंडित जुगल किशोर मिश्र, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान आपने सुना होगा कि पहले बहुत सारा ऐड आता था, तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो ये है 2001 में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का आरंभ किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या बतानी है। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ये आपके परीक्षा में पूछा भी जा सका है, ठीक है, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1976 में की गई थी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में की गई थी, 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे, तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? वो थे बाबू शिव प्रसाद
गुप्ता, बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। काशी विद्यापीठ कहाँ पर है ये? आपका वाराणसी में ही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया, यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ कब किया गया, यानी कि किस वर्ष किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2004 में, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना 2004 में स्टार्ट किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विद्यालय कुल मिलाकर के 4 हैं, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम शुरू किया गया, केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों में पोषाहार सहायता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, और ये कब शुरू हुआ था पोषाहार कार्यक्रम, ठीक है। तो ये 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक किस कौन थे, यानी कि 1857 से जो प्रकाशित होती है समाचार पत्र का हिंदुस्तान, उसके संपादक कौन थे उस वक्त, उसके संपादक कौन थे? तो उसके संपादक थे पंडित मदन मोहन मालवीय, और इन्होंने ही BHU की भी स्थापना की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था, यानी किस वर्ष से उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया था? तो उसका आंसर होगा 1968 से उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी कार्यों को हिंदी में करने का, हिंदी में प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय आपका मेरठ में स्थित है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके फटाफट बता सकते हैं, ठीक है। तो कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए अभी के अभी अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और आगे भी इस तरह की मैं वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।